भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी की रूस की 5 दिवसीय यात्रा ने सब कुछ बदल के रख दिया है। दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स हिल गई है। चाइना और अमेरिका जैसे देश भी आज भारत को देखकर हैरान है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी जी को लेकर वो ऐलान किया है, जिसने चाइना और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और जयशंकर जी के हाथ पीएम मोदी जी के लिए सबसे बड़ा पैगाम भेजा है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर जयशंकर ने कैसे रूस के अंदर जाते ही दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख दिया और व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी जी के लिए क्या पैगाम भेजा है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी 5 दिवसीय यात्रा के लिए रसिया पहुंचे हैं और जयशंकर साहब जी ने रसिया पहुंचकर ही अपने काउंटर पार्ट सर्गे लवरोव से मुलाकात की और साथ ही साथ रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कई बड़ी डीलों को भी साइन किया, जिनमें कूडनकुलम परमाणु डील भी शामिल है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी की इस मॉस्को विजिट ने भारत और रूस के बायलेटरल रिलेशन को कई गुना मजबूत कर दिया है। लेकिन पूरी दुनिया शॉक्ड उस समय रह गई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी से मिलने के लिए आ गए। अब जैसे ही भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मीटिंग की खबरें मीडिया में आई तो दुनिया भर की मीडिया भी हैरान रह गई। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में एक मीटिंग की है और इस मीटिंग ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत और रूस के रिलेशन सालों के नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं और इस दोस्ती को तोड़ पाना किसी के बस की नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भी भारत ने अपने मित्र रूस के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं और एक बार फिर से रूस के साथ मिलकर अपने सारे बिजनेस प्लान कर रहा है और आने वाले समय में भारत और रूस के बीच में ये रिलेशन और भी मजबूत होंगे। लेकिन इस मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा धमाका तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने किया है, क्योंकि इस बार व्लादिमीर पुतिन जी ने अमेरिका और चाइना के साथ साथ कांग्रेसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने पीएम मोदी जी को रूस आने के लिए इनवाइट किया है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी जी को रशिया बुलाना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन जी ने कहा है कि वो पीएम मोदी जी के साथ बैठकर यूक्रेन युद्ध पर गहराई से विचार करना चाहते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने भी ये संकेत दिए थे कि वो अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब रशिया भी अपनी लड़खड़ाई हुई इकोनॉमी को दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करके बूस्ट करना चाहता है, क्योंकि रशिया को डिफेंस के क्षेत्र में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेसी शॉक्ड उस समय रह गए जब व्लादिमीर पुतिन ने अपने मित्र पीएम मोदी जी के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया और व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान भारत के इलेक्शन को लेकर किया है जो 2024 में होने वाले हैं। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि पुतिन ने पीएम मोदी जी को रशिया इनवाइट करते हुए कहा कि वो अपने दोस्त पीएम मोदी जी को भारत में होने वाले 2024 के इलेक्शन में एक बड़ी जीत की शुभकामनाएं देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।